नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में। तो जैसा कि आप मेरे बिल्कुल पीछे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, आज हम हिंदी भाषा को डिस्कस करेंगे। और हिंदी भाषा के इससे पहले मैं काफ़ी सारी वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ, और आप सबको ये नहीं भूलना चाहिए कि लैंग्वेज वाला जो आपका सेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्वालिफाइंग इन द नेचर भी है। तो ज़रूर आप इसको बहुत ठीक से प्रैक्टिस करते हुए कवर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो सारा का सारा प्रोबेबली जो कंटेंट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उसको तो मैं कवर करवाऊंगी ही, लेकिन आप साथ में स्वयं की जो खुद की प्रैक्टिस है उसको भी साथ में कंटिन्यू कीजिए। तो शुरू करते हैं हिंदी भाषा। सबसे पहले तो बिल्कुल जो सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं अपने क्लासेस में और सेशंस में डेली बेसिस पे, जो लास्ट सेशन में सवाल मैंने डिस्कस किया था उसको मैं यहाँ पर आपके साथ एक्सप्लेनेशन दूंगी, और साथ में आखिर में क्वेश्चन ऑफ द डे, जो प्रश्न रहेगा आज के दिन का, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एप्रिशिएबल वो सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने की कोशिश की है जो है कमेंट बॉक्स में सवालों के जवाब देने की। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हिंदी भाषा के सेशन में हमारे लिए क्या कुछ खास है। और मैं पहले बता दूं कि हिंदी भाषा में से पहले हम भाषा से जुड़े हुए चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, आज हम कुछ नई चीज़ें भी डिस्कस करेंगे साथ में। तो भाषा, जैसे कि मैं हर बार आपको हर एक स्लाइड में बताती हूँ कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है ना। तो लैंग्वेज बेसिकली क्या होता है, भाषा जो कोई भी होती है वो आपके मन के, आपके भावों का, आपके विचारों का एक एक्सप्रेशन होता है ना। और इसी को हम कहीं ना कहीं संचार का एक माध्यम मानते हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। संचार का जो एक माध्यम होता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात को जो है रख पाता है, जिसको हम टू वे कम्युनिकेशन से को टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसमें संचार जो है काफी ज्यादा एक अहम रोल यहाँ पर प्ले करता है। और भाषा के अगर प्रकारों की बात की जाए तो बिल्कुल भाषा तीन तरह की होती है। मौखिक, जो बिल्कुल अभी मैं बातचीत के द्वारा आपको समझा रही हूँ, लिखित, ये जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, और सांकेतिक, मेरे फेस एक्सप्रेशन, मेरे हाव भाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे हाथों पैरों के हाव भाव के द्वारा भी आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं किस प्रकार से कहाँ पर जोर दे रही हूँ। और सांकेतिक भाषा जो है, जिसे कहा जाता है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। भाषा के प्रकार में से सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मौखिक भाषा को लेकर के, कि किस प्रकार से आप टीचिंग लर्निंग को और ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं अपनी क्लासरूम में। तो क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं और देखते हैं आज का सवाल हमारे लिए क्या है। तो बहुभाषी, 71 क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट टाइम मैंने मैंने पूछा था आपसे कि बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है। बहुभाषी का मतलब है जहां पर बहुत सारे एक ही क्लास में भाषाएं बोली जाती हैं। पहला, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाए, वो भाषा जहाँ पर भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, यानी कि स्टडी की जाती है लैंग्वेजेस की, तो ये तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम किसी रिसर्च सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं। सी कह रहे हैं कि जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका दो या दो से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बिल्कुल जो कोई भी शिक्षक या शिक्षिका है वो भाषाओं के ऊपर उनकी कमांड बिल्कुल आवश्यक ही रहती है, तो ये कोई टीचिंग लर्निंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। जिस कक्षा में कम से कम दो भाषाएं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हों, तो ऐसा कुछ संभवतः नहीं हम मान सकते। भाई हिंदी की क्लास में तो आप हिंदी में ही पढ़ाएंगे ना, या हिंदी लैंग्वेज का ही यूज करेंगे, वो तो बाइलिंगुअल आप अपनी सुविधा के हिसाब से किसी चीज का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यही हमारा आंसर है, इसकी मैं बात कर रही हूँ, है ना। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाए, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्लासरूम में कोई बैठा जो बच्चा है वो काफी अजनबी फील कर रहा है, या बहुत जो है एक्स्ट्रा जो है ऑर्डनरी फील कर रहा है ना। क्योंकि मैंने हमेशा आपको बोला कि क्लासरूम में बैठे हुए 30 जो बच्चे हैं वो अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे को बंगाली आती हो, किसी बच्चे को उड़िया आती हो, मराठी आती हो, संस्कृत आती हो। तो जितनी ज्यादा बहुभाषाई कक्षाओं में बच्चे अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, उतना ज्यादा जो सांस्कृतिक तरीके से ट्रेडिशनली हम ज्यादा विकसित खुद को महसूस कर पाएंगे, ज्यादा डाइवर्स महसूस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबको पता होना चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो 2020 वाली हमारी आई है, उसमें 5वीं तक के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको मदर टंग में, ओरिजिनल लैंग्वेज में जो है ज्ञान देने की भाषा के द्वारा बात कही गई है, तो ये भी हमें काफी हद तक ध्यान में रखना है।
ठीक है, ए सही था इसका। आगे बढ़ेंगे आज के सवाल की तरफ। 72, 72वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। कह रहे हैं कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? कह रहे हैं कि सेकंड क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है रोहित, वो सेकंड क्लास में अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? मदर टंग में। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करें, नेगेटिव है हटा देंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, नेगेटिव है हटा देंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ए और डी को देखते हैं, क्योंकि दो ही विकल्प हमारे पास बचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा प्रोबेबली सही है। आप किसी बच्चे को फोर्सफुली ये नहीं कह सकते कि आप उसकी भाषा को सीखिए, है ना, क्योंकि एक मुश्किल काम है, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हैं, ना कि आप कोई लैंग्वेज क्लासेस यहाँ पर दे रहे हैं। तो उसकी भाषा को आप समझने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी भाषा को पूर्णतः समझ जाइए, अगर समझ जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम उतनी कोशिश करेंगे कि आप बच्चे के हाव भाव, उसके कम ज्यादा जो है वोकैबुलरी के माध्यम से, उसकी जो मुख्यतः भाषा है उसको, उसकी जो दिशा और दशा दोनों समझ पाए, है ना, जो इम्पोर्टेंट रहेगी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। तो मैं आगे बता भी देती हूँ, मैंने शुरू में हालांकि आपसे डिस्कशन में कर लिया कि बहुभाषावाद और भाषा सीखने की शक्ति काफी एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है ना। एनईपी के माध्यम से, 2020 के माध्यम से ये चर्चा की गई है कि एक से लेकर के पांचवीं तक के जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में ही शिक्षा देने की बात रखी जाए, है ना, ताकि भाषा क्या है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से बच्चे के अंदर विचारों का जो संचय होता है वो काफी तेजी से होता है, अच्छा सीख पाते हैं वो, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे, क्षेत्रीय भाषा रहेगी। एनईपी के हिसाब से पारंपरिक भाषा जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज होती है, और साहित्य के भी विकल्प होंगे, जो भी लिटरेचर आप चूज करना चाहते हैं, जो भी आप जो है भाषा चुनना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं कि स्टेट और यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में भी यहाँ पर तीन भाषाओं को सिखाया जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टाम मार्क कर रही हूँ। चौथे में कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए आयोजित हो लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक प्रोजेक्ट जो हमने लॉन्च किया है, जिसमें हमने ये तय किया है कि एक से लेकर के पांचवी क्लास तक के बच्चों को, जो कि हम केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के नाम से जानते हैं, ठीक है, उन बच्चों को हम मातृभाषा में ही शिक्षा देंगे, ताकि बच्चे अपनी अपने विचारों के माध्यम से भाषा के जो स्पष्टता है उसको समझ पाए, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73वां, 73 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, आई होप कि सब क्लियर होगा। कह रहे हैं कि पढ़ने और सीखना यानी रीडिंग और लर्निंग के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, नॉट की बात की गई है सवाल में। पेपर में कई बार जब डायरेक्टली नॉट से सवाल आते हैं तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली कंफ्यूज भी होते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। तो वर्णमाला कह रहे हैं कि याद करने का कौशल है, पढ़ना सीखना अनिवार्यता की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। अनुमान लगाना है कि आइडिया को ग्रैप्स करना है, भाषा की संरचना की समझ कि भाषा क ख कैसे लिखेंगे, क कबूतर और ख खरगोश कैसे लिखेंगे इसकी, या भावनात्मक संबंध, या फिर आप यहाँ पर कोई जो है भावना अपने मन के जो विचारों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब आप इस पूरे क्वेश्चंस को देखते हैं तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है नेगेटिव चीजों को हटा देना। तो पढ़ना लिखना हमने कहा नहीं है, तो बिल्कुल हमने कहा कि जब हम एक से पांचवी तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त में देंगे तो बिल्कुल वहां पर कौशल को अनुमान ही लगाएंगे ना, स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं। तो इन्होंने नॉट की बात की है, तो नॉट में ये हट जाएगा। अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता, नहीं नहीं होता, तो हम यहाँ पर ए को गलत ठहराते, बाकी सही कर देते तीनों, है ना। पर इन्होंने नहीं बोला, भाषा की संरचना की समझ बिल्कुल है, आप क कबूतर ख यहाँ पर खरगोश लिख करके पढ़ करके समझते हैं, ताकि आप भाषा को अच्छे से पढ़ पाए सीख पाए, है ना। और भावनात्मक संबंध क्यों है, हम भाषा जो है किसी भी तरीके से, अगर आप किसी स्टेज पे भाषण दे रहे हैं तो आपका लहजा अलग होगा, अगर आप किसी जो है शोक सभा में भाषण दे रहे हैं तो आपके भाषा में शब्दों का चुनाव, भावना का की जो व्यक्तता है वो अलग होगी, है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई मोटिवेशनल बात कर रहे हैं तो आपके शब्दों का चुनाव और भावनात्मक जो संबंध है वो अलग होगा। तो जाहिर सी बात है कि भाषा क्या है, इट्स अ फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन, किसी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका, है ना।
वर्णमाला याद करने का कौशल इसलिए नहीं है क्योंकि वर्णमाला क्या है, जब हम वोकेबुलरी की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कहें कि भाई जो आपके व्यंजन वर्ण है उनकी याद करने के बाद, तो ये हमारा कौशल नहीं, तो कौशल है नहीं वो, तो भाषा की अनिवार्यता है जो आपको याद करनी है, और इन्होंने उपकौशलता की बात की है, तो उसमें ये वाला शब्द नहीं आएगा, लाइन नहीं आएगी, तो ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नॉट के हिसाब से अगर नॉट नहीं होता तो ये तीनों सही हो जाते, ठीक है, ए सही है फिलहाल यहाँ पर। तो पठन कौशल का उद्देश्य क्या है, जैसा कि आप सबको पता है कि वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ना, ये क है, ये ख है, ठीक है, ये ज्ञ है, ये श है, ये श षटकोण है, ठीक है। विद्यार्थियों की तीव्र गति से पठन का अभ्यास करना, पढ़ना पढ़ाई का जो आपकी तीव्रता है, रीडिंग अच्छी हो, स्वाध्यायता की आदत डालना, स्वयं सेल्फ स्टडी करना, ठीक है। फिर हमने कहा कि उद्देश्य कौन सा है यहाँ पर, चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, आत्मविश्वास जागृत करना, मोटिवेटेड फील करना। पांचवा कह रहे हैं कि छात्रों में जो है फोकस, कंटिन्यूटी, उनकी जो रुचि है जागृत करना है। सिक्स्थ कह रहे हैं कि रुचि, जो उचित हाव भाव है आपके, जो फेस एक्सप्रेशन, जो हमने शुरू में पढ़ा ना, भाषा तीन प्रकार की है, मौखिक है, लिखित और सांकेतिक, तो हम यहाँ पर सांकेतिक भाषा की बात कर रहे हैं। इंद्रियों का क्रियाशील करना है ना, लेखन के मनोभाव को स्पष्ट रूप से समझने की योग्यता विकसित करना, कि मान लो अगर यहाँ पर हमने जो है, अगर हम प्रेमचंद्र की कोई नोवेल पढ़ रहे हैं, है ना, गोदान पढ़ रहे हैं या कफन पढ़ रहे हैं, तो बेशक सी बात है कि हम यहाँ पर लेखन के माध्यम से, प्रेमचंद्र के शब्दों के माध्यम से, उस समाज का, उस संस्कृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो 7 पॉइंट्स में हमने पठन कौशल उद्देश्य को समझा। 74th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि द्विभाषीय बच्चे, वो बच्चे जो एक बार में दो भाषा का प्रयोग कर पाते हैं, विकास, सामाजिक सहिष्णुता, टॉलरेंस की जो बात करते हैं, चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। किसमें? कह रहे हैं कि एक ऐसा बच्चा है आपकी क्लास में जो जो कि दो भाषाओं का प्रयोग कर पाता है, तो वो बाकियों के मुकाबले कैसा होगा, उसका दिमाग कैसा होगा, ज्यादा संज्ञानात्मक होगा, जिसको हम कॉग्निटिव बोलते हैं अंग्रेजी में, विस्तृत होगा, एक्सपेंडेड होगा, लिमिटेड होगा, तो ये तो अपने आप में ही काफी ज्यादा नेगेटिव शब्द है, हट जाएगा, सीमित ये भी हट जाएगा। बचता क्या है? दो बचते हैं, संज्ञानात्मक, संक्रियात्मक, विस्तृत होगा या केंद्रित होगा, है ना। तो केंद्रित क्या है, जब आप किसी कंसंट्रेशन की बात करते हैं, है ना, तो कंसंट्रेशन भाषा जो है बढ़ाने में आपकी मदद शायद कर पाए, लेकिन जब हम यहाँ पर ए ऑप्शन को देखते हैं, ए ये वाला, जो कि उत्तर हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई आप जितने ज्यादा भाषाओं का प्रयोग कर पाएंगे, उतनी ज्यादा आप किताबों का अध्ययन कर पाएंगे, भाषा, उनके कल्चर को, ट्रेडिशन को, संस्कृति को जान पाएंगे, है ना। केंद्रित करना नहीं है, विस्तृत करना है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही है। संज्ञानात्मक उपागम क्या है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है, मैं स्ट्रामा कर रही हूँ। देखिए, संज्ञानात्मक जो हम कॉग्निटिव स्किल की बात करते हैं, जब आप अपने माइंड के स्किल्स का उपयोग करते हैं, क्रिएटिविटी की जब हम बात करते हैं, जब बच्चे को ये पता हो कि 2 + 2 = 4 हो जाता है, जब बच्चे को ये पता हो कि क जो है कबूतर भी होता है, ठीक है, या फिर ख खरगोश भी होता है, ठीक है, जब उसको ग गमला पता हो, ग ग्लास पता हो, ठीक है, जब उसको म मछली पता हो, म मटका पता हो, ठीक है, म फॉर जो माँ है उसकी, उसके बारे में पता हो, तो वो क्या है, शब्दों का विकासशीलता वो कैसे आएगा, जितना स्वस्थ आपका दिमाग होगा। तो मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष से संबंधित है, ठीक है, जहां पर आप अनुसंधान करते समय प्रत्यक्ष ज्ञान, वो ज्ञान जो डायरेक्टली आपके दिमाग में है, इमेजिनेशन का निर्माण कर पाते हैं। मैंने कहा ग गमला, ग गिलास, अगर मैं फिर बोलूं कि ग से और शब्दों को बताओ तो क्या क्या होगा, चिंतन, जब आप किसी चीज के ऊपर विचार कर पाते हैं, आपका जो बुद्धि सही तरीके से, आपकी मेमोरी सही तरीके से काम कर पाती है, अब तभी ग गिलास और ग गमला बता पाएंगे ना, और ग से बाकी चीजों को बता पाएंगे। तो वो प्रक्रिया को हम क्रिया व्यापार के नाम से जानते हैं। अधिगमन की प्रक्रिया कह रहे हैं कि जो संज्ञानात्मक संरचना होती है, उसमें परिवर्तन होता है, जो सीखी गई है, जो भी आप भाषा सीखते हैं, उतनी ज्यादा आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग रहेगी। और इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य केवल यहाँ पर अधिगमन, यानी कि सीखना केवल नहीं है कि आपने कोई भाषा सीख ली, आपने ग फॉर गमला बता दिया, ग फॉर गिलास बता दिया, म फॉर मछली बता दिया, म फॉर जो है मटका बता दिया, ये कह रहे हैं कि इस प्रकार वस्तुओं के अर्थ ग्रहण को जो है हम ग्रहण करने से हुए है ना, कि आपको किसी चीज का मतलब तो पता हो, अब गली बता दो, मैं बोलूँ वाक्यों में उसको बदलो, तो आपको उसका सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं पता है, संरचना, वाक्य संरचना ही पता नहीं है, तो कैसे काम चलेगा। आगे चलते हैं।
अब कॉग्निटिविज्म की बात हो रही है तो जीन प्याजे की बात ना हो तो संभवतः नामुमकिन सी बात है ना, असंभव जिसे हिंदी में कहते हैं। जीन प्याजे का सिद्धांत कॉग्निटिविज्म के बारे में बात करता है, जिन्होंने मेंटल, या आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश का वर्ड है, मेंटल कह रहे हैं कि मानसिक विकास के सिद्धांत के ऊपर ध्यान दिया है। जीन प्याजे 1886 में स्विट्जरलैंड में जो है उनका जन्म हुआ था। प्याजे ने संपूर्ण जीवन में मानव विकास का अध्ययन किया और प्याजे को मनोविज्ञान के क्षेत्र में तृतीय शक्ति, थर्ड फोर्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप इनकी पूरी की पूरी स्टडी को देखेंगे है ना, तो उनकी स्टडी को इन्होंने सेंसेस में बांटा है। मैं यहाँ पर बता भी देती हूँ, जीन प्याजे कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ है ना, उसको हमने कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, फिर 2 से जो है 7 साल की आयु तक की बात करते हैं, 7 से जो है 15 साल की आयु तक की बात करते हैं। तो जीन प्याजे का ये मानना है कि जो व्यक्ति का, माफ कीजिएगा, जो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो अलग अलग स्टेजेस में होता है। 3 स्टेज 4 स्टेजेस में बांटा है उन्होंने मनुष्य के जीवन को, है ना। वो कहते हैं कि जो शुरुआती बच्चा होता है 0 से लेकर के प्रोबेबली 2 साल तक का बच्चा, वो कहते हैं कि उसके अंदर भाषा जो होती है, उसका मेंटल स्टेटस जितना बेहतर होगा, दिमाग जितना अच्छा होगा, उतना ज्यादा बेहतर वो सीख पाएगा किसी चीज को छू करके। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि किसी चीज को वो जो है देखते हैं और उसको कोशिश करते हैं मुंह में डालने की, ताकि वो सेंसेस से पहचान पाए कि किस चीज की क्या चीज कैसी होती है ना। तो आगे के स्टेज में वो बताते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का स्टेज में परिवर्तन आता है, 0 से 2 साल का बच्चा, पैदा होने से लेकर के 2 वर्ष तक का, 2 से फिर यहाँ पर 7 वर्ष का, 7 से फिर 11 वर्ष का, फिर 11 से जो है 15, फिर 15 के बाद के जो बच्चे हैं, वो कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसका मेंटल लेवल डेवलप होना शुरू हो जाता है और उस प्रकार वो भाषा को सीख पाता है। लेकिन सेंसेस जो है हमारे वहां पर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, है ना, उसके आसपास। उसमें वो कहते हैं कि भाषा का इतना रोल प्ले नेचर नहीं जितना उसके दिमाग का रोल प्ले नेचर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपसे भाषा की बात की जाती है तो वाइगोत्स्की को नहीं भूलना है। वो कहते हैं कि बच्चा जो है सेंसेस से नहीं, समाज से सीखता है भाषा, अपने फैमिली से सीखता है ना। और चोमस्की ने, अगर आपको ध्यान है, चोमस्की ने यहाँ पर, मैंने एक बार डिस्कस भी किया था आपके, चॉम्स्की ने यहाँ पर भाषा जो है फादर ऑफ लैंग्वेज बोला जाता, तो उन्होंने कहा है कि भाषा एक अहम रोल है आपकी लर्निंग में। अगर आपकी भाषा के ऊपर कमांड नहीं है तो आप कोई चीज जल्दी नहीं सीख पाएंगे। और बच्चे का विकास यहाँ पर 5 वर्ष तक ही रहता है भाषा को, फिर जितना सीख लिया उसके बाद नहीं सीख सकता। 75 क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। कोई एक चीज की स्कार्सिटी है जिसके बिना आप नहीं पढ़ सकते। बाहर खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसके बिना आप जो है किसी भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे। तो लिपि से परिचय, अगर आपको स्क्रिप्ट ही नहीं पता है ना, क ख ग क्या क्या है, अगर आप उसको ही नहीं अगर जान पाएंगे तो ना तो आप शब्दों को जोड़ पाएंगे, ना वर्णमाला को पढ़ पाएंगे, ना आप बाहर खड़ी से परिचय कर पाएंगे, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो लिपि का जो ज्ञान है, 2 चीजें होती है, एक होती है भाषा, एक होती है लिपि। तो जिस फॉर्मेट में भाषा लिखी जाती है, मैंने कहा कबूतर, ठीक है, तो ये एक प्रकार का जो है भाषा को जो है लिपि एक सपोर्ट प्रदान करती है। जैसे कि मैंने कहा भी कि भाषा यहाँ पर आपके भावों को व्यक्त करती है, उस भावों को कैसे व्यक्त करेगी, लिपि के माध्यम से, ठीक है। और 3 तरीके की होती है, सांकेतिक भाषा में लिपि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मौखिक में और लिखित में अगर आप देखेंगे, मौखिक में भी यहाँ पर आप देखेंगे तो कम, मतलब वो वर्बल होती है, बट लिखित में सबसे ज्यादा लिपि का प्रयोग किया जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग की जब हम बात करते हैं। 76 क्वेश्चन, कह रहे हैं कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी क्या है। ये बात किसने कही है कि भाषा भी है और आपका थॉट प्रोसेस भी है। भाषा प्लस लैंग्वेज के संबंधों की चर्चा में अग्रणी क्या है, स्किनर है, चॉम्स्की है, वाइगोस्की है, फिर यहाँ पर प्याजे हैं। तो प्याजे क्या कहते हैं, प्याजे कहते हैं कि भाषा जो है बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, फैमिली से। चॉम्स्की को बोला जाता है भाषा का पिता, ठीक है, जो कहते हैं कि बच्चा 5 साल की आयु तक भाषा सीखता है अपने समाज में, परिवार से, कैसे भी। स्किनर क्या कहते हैं, स्किनर एक व्यवहारवादी जो है साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, और उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर व्यवहारवादी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। राइट ऑप्शन है आपका सी। वाइगोस्की ने कहा है
है ना, वो कहते हैं कि आपके अंदर विचार तभी उत्पन्न हो सकता है यदि आपकी भाषा अच्छी है। इसके अलावा अगर वाइगोत्स्की को थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो वाइगोत्स्की ने यहाँ पर ZPD का जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। ZPD बोलते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इंग्लिश में, है ना, समीपस्थ विकास क्षेत्र इंग्लिश में बोलते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक इन्होंने बात की है MKO की, मोर नॉलेजेबल की, जब इन्होंने बात की है जिसको अधिक पता हो। तो मोर नॉलेजेबल में ये क्या कहते हैं कि भाषा को और विचारों को और सिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको अध्यापक की आवश्यकता और स्कूल में जाना पड़ेगा। एक 5 साल का बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, एक 50 साल का व्यक्ति भी बहुत कुछ सिखा सकता है। ZPD में इनका ये कहना है कि इन्होंने आप भी देखे कि 1, 2, 3 स्टेजेस में बांटा है बच्चे के ज्ञान को। तो ये कहते हैं कि लिखी किसी के सहायता से किया जाने वाला जो कार्य है ना, वो क्या, जैसे आप यहाँ पर पहले हम पहले वाला देख लेते हैं। ये है आपका आयु स्तर के अनुसार अज्ञात व संभव निष्पादन क्षेत्र। जैसे यहाँ पर कोई बच्चा है, आपने उसको सिखा दिया कि यहाँ पर 1 + 1 = 2 होता है, ठीक है, आपने तो बच्चे को सिखा दिया। कौन यहाँ पर काम कर रहा है? टीचर काम कर रहा है। यहाँ पर भी बच्चा टीचर काम कर रहा है। अब आप यहाँ पर जब टीचर काम करेगा कहाँ, बैक एंड में पीछे की तरफ, और ये कह रहे हैं कि 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बच्चा भी यहाँ पर ये तो जान गया कि 2 + 2 = 4 होगा, 4 + 2 = 6 होगा, 6 + 2 = 8 होगा। अब यहाँ पर जब बच्चा यहाँ पर आएगा तो टीचर का काम बच्चे को थोड़ा सपोर्ट करना है, मोटिवेट करना है, पर यहाँ पर उसको टीचर की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर बच्चा स्वयं उसका दिमाग काम करेगा कि अगर 2 + 2 = 4 हो सकता है तो 2 × 2 भी तो 4 हो सकता है, 4 × 4 = 16 होगा, ठीक है। तो ये काफी हद तक चीजें जो है ध्यान में रखनी है, जहां पर टीचर की आवश्यकता है, यहाँ पर थोड़ी सी आवश्यकता है, यहाँ पर बच्चे को आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चा अपने दिमाग से चीजों को सीख रहा है, ठीक है, जिसको हम ZPD के नाम से जानते हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्टली सवाल पूछ लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की, तो उनका मतलब है कि जो जैसे इस समय आयु में गुड्डे गुड़ियों, खिलौना, मनुष्य आदि सजीव प्रणालियों में कोई अंतर नहीं समझ पाता है। बच्चा छोटा है तो कैसे उसको पता होगा, उसको तो हर चीज मुंह में ही डालनी है, जो 2 साल तक का बच्चा है, जो रुचियों और सामाजिक संपर्कों का कभी विस्तार होता है थोड़ा थोड़ा उसके 2 साल के बाद से। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो सामाजिक विकास है, जो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, वो कहते हैं कि शिक्षक के निर्दा जो उसका इंस्ट्रक्शन है, निर्देशानुसार अपने साथियों के सहायता में उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। वो तब कर पाएंगे ना जब उन्होंने पहले कभी देखा होगा। आप यहाँ पर स्कूटी तभी चला पाओगे ना जब आपने 4 साल पहले कभी साइकिल चलाई होगी, तो है ना। शिक्षक का जो रवैया है केवल सहयोगात्मक और निर्देशात्मक होता है, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन देने वाला है, एक यहाँ पर हेल्पर की तरह काम करता है, बस उतना ही काम उसका रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा जब साइकिल चलाता है तो उसके साइड्स में पैडल लगे होते हैं, है ना, तो ये जो पैडल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं टीचर का काम करते हैं, उसको सपोर्ट और इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बच्चा जो है वो साइकिल को ड्राइव करके लेके जाएगा। या कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा बच्चा साइकिल चलाता है और उसको दिमाग में रहता है कि टीचर या मेरा पेरेंट मेरे पीछे खड़ा और मुझे जो है पुश कर रहा है, लेकिन दरअसल आप सिर्फ उसके साथ साथ चल रहे होते हैं, वो चला खुद रहा होता है अपनी साइकिल को, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हमें बताती है सोशल डेवलपमेंट के बारे में, कि बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो अपने आप स्वयं होता है, उसमें किसी टीचर का जो काम है एक इंस्ट्रक्शन का और एक हेल्पर का होता है सिर्फ, ठीक है। लाइफ टाइम स्पून फीडिंग कराने के लिए वो नहीं बोलते हैं कि उसको जो है आप चम्मच से पानी पिलाते रहिए हमेशा, हर जब वो बच्चा 25 साल का होगा तो भी आप उसको बताते रहिए कि बेटा 2 + 2 = 4 ही होता है ना। कहने का मतलब है कि दिमाग का डेवलपमेंट स्वयं से करना पड़ता है। 27 को देखेंगे, कहने के सिद्धांत की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वह सिद्धार्थ के भाषिक प्रवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, इसलिए कह रही हैं, भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं, सिद्धांत की गहरी समझ रखती हैं भाषा को लेकर के, अर्जन को ग्रैप्सिंग ऑफ लैंग्वेज, सिद्धार्थ का समृद्ध भाषिक प्रवेश से वंचित कर रही हैं। तो ये तो नहीं होगा, है ना, नेगेटिव है काफी। तो डी को आप हटा देंगे, हम हमारे पास ए बी और सी बचता है। तो अब इसमें से सबसे अच्छा वाला अगर आप देखेंगे, है ना, सबसे अच्छा वाला जो है यहाँ पर डी लिखा है, बट डी इज नॉट द राइट वन, ठीक है, ये मे बी कोई टाइपिंग मिस्टेक हो। जैसा कि इन्होंने पूछा है कि सदस्यों से अनुरोध किया कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके, तो कैसे करेंगे? भाषाई
सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक प्रवेश से वंचित कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, वो बिल्कुल यहाँ पर भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है, इसलिए वो यहाँ पर कह रही है सी का। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, ताकि सिद्धार्थ जो है बहुत जल्दी से अपनी भाषा को कमांड कर सके। तो डी नहीं आएगा, यहाँ सी आएगा, सही कर लीजिएगा इसको। तो आप भी देख पा रहे हो कि भाषा जो है 14 सितंबर को, आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है, तो बिल्कुल हम आज हिंदी दिवस के मौके पर मातृभाषा बोलने की जो फ्रीडम है उसका प्रतीक माना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 78 को देखेंगे, कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा, प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे को क्या करना चाहिए, लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ाना पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, शब्दों को जोड़ तोड़ कर पढ़ सके, और लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। हमने प्राइमरी लेवल की बात की, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमने कहा कि सामग्री का अर्थ समझ सके, कि उसको पता हो कि क फॉर कबूतर और क कमल में क्या अंतर होता है, कबूतर में, पक्षी में और फूल में क्या अंतर होता है। बोल बोलकर पढ़ेगा तो उसको क्या पता कि वो क्या पढ़ रहा है ना, क्योंकि वो तो ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है, फिर बी को भी बी फॉर एप्पल ही कह रहा है। जोड़ कर पढ़े तो उसका उसका नॉलेज में कुछ मतलब नहीं है शिक्षण में। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही है, ताकि बच्चा यहाँ पर अर्थ समझ को जो है डेवलप कर पाए। तो लिपि किसे कहते हैं, भाषा क्या है, किसी भी भाषा को लिखने के ढंग या लिखावट को लिपि कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि कबूतर, क कमल। इसे लेखन प्रणाली भी कहते हैं। लिपि को आसान भाषा में आपको समझाएं तो किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है भाषा में उसे लिपि कहा जाता है। अब क कबूतर है तो ब को बड़ियों की मात्रा। डी सही हो जाएगा। 79 को देखते हैं, कहने कि प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, राइटिंग स्किल्स की बात कर रहा है, राइटिंग जो आपकी कैपेबिलिटी है उसमें मौलिक विचार सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रुतलेख इंपॉर्टेंट है, सुलेख इंपॉर्टेंट है, या वर्तनी इंपॉर्टेंट है। लेखन क्षमता, कोई प्राथमिक स्तर का बच्चा है जो कि राइटिंग स्किल्स के ऊपर अपनी कमांड बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसका मौलिक विचार कि वो सोचता कैसा है, सुलेख जिसमें वो ए को जो है टेढ़ा मेढ़ा लिख रहा है पर अब सही लिख रहा है, वर्तनी उसकी गलतियों का सुधारना, या श्रुत लेखन। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उसका जो मौलिक विचार है प्राथमिक स्तर पर उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम यहाँ पर करेगा लेखन क्षमता को लेकर के। ठीक है, तो ए सही है, बाकी सारे जो है यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन में काउंट होंगे। 80th को देखेंगे, 80 सवाल हमारा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण, सुनना, वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यह उपयोगी है, श्रवण और वाचन। कहानी सुनाकर उन पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्न सत्र आयोजित करना, या रेडियो समाचार सुनना, है ना। तो हमने कहा कि सुनना भी है और बोलना भी, ध्यान रहे कि हम दोनों ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी सुनकर भी, तो कहानी क्या है, सुनाना भी है, और जब आपने प्रतिक्रिया जान ली तो आपने ये जान लिया कि आपने जो चीज सुनाई है उसका कितना प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ा और कितना वो एक्सप्रेसिव तरीके से बता पा रहा है। अब मैंने आपको प्यासे कौए की कहानी सुनाई, आपने बड़े ध्यान से सुना, अब मैंने प्रतिक्रिया पूछी कि बेटा बताओ इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, अगर आपने 15 बच्चों से भी अलग अलग सवाल पूछे तो 15 बच्चों का एक अलग जो है यहाँ पर तरीका होगा जवाब देने का। एक्सप्रेशंस की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, कविता पे आप क्या ही बुलवा करके कोई चीज ले पाएंगे उसे। प्रतिक्रिया, प्रश्न सत्र आयोजित, उसके जो है फैक्चुअल नॉलेज को चेक करना है ना। रेडियो समाचार सुनना नहीं है, क्योंकि हम प्राथमिक लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है ना, सिर्फ बोल बोल पा रहा है, एक तरफा कम्युनिकेशन कर रहा है, चल रहा है वो रेडियो के माध्यम से केवल। तो कथन कहानी प्रविधि क्या है, जैसे कि मैंने बताया भी कि कहानी के माध्यम से कोई भी ज्ञान बड़ी सरलता से दिया जा सकता है। अब मैं आपको रामायण की पूरी कहानी सुना दूं तो आप उसका जो है हर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। तो अध्यापक को कहानी कहने और बनाने की कला में निपुण होना चाहिए कि कोई भी स्टोरी फॉर्मेशन सुना सके, है ना, जिससे कि छात्रों का जो हर तरीके से विकास होता है, भाषा में, शिक्षण में, मानसिक में, ठीक है, सोशल में। 81, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है। वाणी जो हम बोल रहे हैं, लिखित भाषा जो लिखी जाती है, अगर मैं कहूँ कि हिंदी में जो कबूतर लिखा जाता है वो यूपी में भी, बिहार में भी, राजस्थान में भी कबूतर वैसे लिखा जाता है ना, लेकिन जब आप इस कबूतर को यूपी में, बिहार में, या राजस्थान या हरियाणा में बोलेंगे, वाणी की बात हो रही है ना,
तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, पंजाबी में इसको कबूतर बोलेंगे, ठीक है, यूपी बिहार में कबूतर बोलेंगे, ठीक है, राजस्थान में कबूतर बोलेंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि वाणी में परिवर्तन हो रहा है, जो शब्द लिखे जा रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो क्या है, अस्थाई है, क्योंकि काफी तेजी से बदल रहे हैं। ये माना जाता है कि भाषा का जो प्रयोग और भाषा का बोलने का तरीका हर किलोमीटर में बदल जाता है। जैसे कि मान लो आप एक ही रीजन में रह रहे हैं, यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, तो आप देखेंगे कि कोई भी जो आपका मित्र है, दोस्त है, कि क्लास में आप पढ़ रहे हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, तो आपकी भाषा में जो है कि ट्विस्ट होगा, थोड़ा सा हल्का सा चेंज होगा उसमें, वो समझ पाएंगे आप, लेकिन उसकी तरह आप बोल नहीं पाएंगे, वाणी का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि वो हेरिडिटरी होती है। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है भाई, कक्षा में संप्रेषण, भी सही हो जाएगा, अस्थायी है, स्टेबल नहीं है। चिंतन की गति बोलने की गति से अधिक होती है सोचने की गति। सामान्यतः 300 से 450 शब्द जो प्रति मिनट दर से सोचते हैं एक बार में, तो बहुत ज्यादा है। हमारा जो ब्रेन है 100 से 200 शब्द प्रति मिनट की दर से शब्दों के अर्थ निकाल करके समझ सकता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। 82 सवाल कह रहे हैं कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है क्या? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है क्या? अब क्रिया क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। क्रिया क्या है? किसी भी चीज को करना। ठीक है, जब हम वर्क की बात कर रहे हैं, कोई काम आपने किया, मैंने कहा कि राम ने क्रिया जो है भोजन की क्रिया की, ठीक है, व्यायाम की क्रिया की, इट मीन समवन इज परफॉर्मिंग सम ड्यूटीज। तो कह रहे हैं कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है क्या? सहायक क्रिया, नाम बोध क्रिया, प्रेरणा या नाम धातु क्रिया। तो हमने कहा कि जब हम इस उत्तर को देखेंगे पूरे को, तो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। कोई मुख्य क्रिया है, मैंने कहा कि राम ने व्यायाम की क्रिया की, तो सहायक क्रिया क्या है यहाँ पर? व्यायाम। मुख्य क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो प्रेरणात्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा, मोटिवेशन देना। नाम धातु क्या है? जहां पर आप किसी जो है संज्ञा विशेषण से बनती है ना, उसको हम क्रिया कहते हैं। नाम बोध क्रिया संज्ञा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है ना, उसको हम नाम बोध क्रिया कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 83 की बात कर लेते हैं, कह रहे हैं कि जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए शब्द को उपयुक्त होता है क्या? द्विज, सर्वज्ञ, अग्रज या अनुज। जिसका जन्म पहले हुआ हो, तो द्विज सर्वज्ञ, सर्वज्ञ क्या है जो सब जगह मौजूद हो। हमने कहा कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हम बाकी का जो है अर्थ जान लेते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है, अनुज, अग्रज, माफ कीजिएगा, ठीक है, अग्रज जो पहले, अनुज जो बाद में, ठीक है। चल एक मिनट, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, स्टार मार्क कर रही हूँ, जन्म बाद में हुआ हो अनुज, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, ठीक है, द्विज जो दो बार जन्म लेते हैं, द्विज बोला जाता है। 84 को देख लेते हैं, गौरव शब्द किस दत्तति प्रयोग के योग से बना है? गौरव की बात हो रही है, जब आप इसको पूरा बोलेंगे तो क्या है, ठीक है, तदित्त की बात हो रही है, अयन, इक, इनमें से सभी, ठीक है। इस शब्द को जब आप पूरा बोल करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि गौरव, गौरव, अ, ठीक है, गौरव, ठीक है, आयन नहीं है, आयन कहीं लग रहा, गौरवायन है नहीं, गौराइक है नहीं, इनमें से सभी हो नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, ओ, ये वाला, जब आप प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो समझ भी पा रहे होंगे, ये सही हो जाएगा। गुरु विशेषण में अ तद्धिति प्रत्यय के योग से भावनात्मक संज्ञा जो है गौरव बना है ना। इमोशन, गौरव क्या है? गौरव किसी का नाम भी हो सकता है, गौरव मतलब इट्स अ प्राउड मोमेंट, गौरव, प्राउड, ये सारी चीजें क्या है, इट्स इमोशनल एक्सप्रेशन। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? ये सेंटेंस है आपका, वह घर से बाहर गया, इसमें से कौन सा सेंटेंस फॉर्म हुआ है? कारक, कारक ध्यान रखिएगा, कर्ता कारक है, वह गया है बाहर, ठीक है, कर्म है, कोई काम तो नहीं किया उसने, करण कारक है, किसी की वजह से हो रहा है, या अपादान कारक है। जब आप इस पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन को देखेंगे तो डी क्या कह रहा है, अपादान कारक कह रहा है, कर्ता क्या है तो जा चुका है, कर्म ये कर नहीं रहा, करण किसी वजह से हो नहीं रहा है, तो अपादान कारक क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। जब संज्ञा जिस रूप में अलगाव की स्थिति में होती है, वह घर से बाहर गया, जा चुका है,
तो अपादान कारक होता है। इस अर्थ में यहां अपादान कारक होगा, ठीक है, जा चुका है। 86, रमेश धीरे धीरे चलता है, निम्न में से क्या है? ये धीरे धीरे रमेश चल रहा है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये इनमें से कोई नहीं। रमेश चल रहा है ना, धीरे धीरे चल रहा है, तो ये धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है? रमेश की, ठीक है। और रमेश क्या चल रहा है? धीरे धीरे। तो दोनों क्या है, क्रिया कौन कर रहा है, चल कौन रहा है? रमेश चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो क्रिया और साथ में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट वन? क्रिया कौन कर रहा है? रमेश। विशेषण क्या है इसका? धीरे धीरे चलना। कोई और सेंटेंस होता, मान लो रमेश, मान लो सुधा होता, मान लो ये सुधा है, सुधा पेंटिंग कर रही है, पिक्चर बना रही है, जो भी है, तो सुधा क्या है इसमें, ठीक है? अगर यहां पर धीरे धीरे हटा देते तो सिर्फ क्रिया करता, ठीक है, तो सुधा क्या हो जाएगी यहाँ पर? क्रिया। उसका विशेषण क्या है, उसको क्या दर्शा रहा है? उसका पेंटिंग बनाना। भी सही हो जाएगा। देखिए वाक्य में क्रिया धीरे धीरे विशेषण को बता रहा था, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है, जहां पर उसका जो पर्टिकुलर पर्सन का क्रिया एक्सप्रेशन होता है। एक वचन की पहचान करनी है जी, जो एक ही शब्द का एक्सप्रेशन दे रहा हो, ओठ, प्राण, दर्शन, तेल, पहचान करिए। तो हमने कहा कि डी ऑप्शन सही है हमारा, तेल एक वचन है, ठीक है, दर्शन, प्राण, ओठ ये हमारे एक वचन नहीं है। तेल शब्द एक वचन है, जबकि दर्शन क्या है? प्राण, ओठ, आंसू, अक्षत इत्यादि, समझ गए ना? एक वचन बहुवचन जो हमारे होते हैं, एक वचन क्या है, जब आप एक ही फॉर्मेशन का शब्द बना पाए। अब तेल का क्या बनाओगे? तेलों? नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। दर्शन, प्राण, दाम, ओठ, आंसू, अक्षत, ये सारे क्या है? एक ही शब्द के बने हुए अलग अलग शब्द हैं। कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षती कहलाती हैं? च छ ज झ ट ठ ड ढ क ख ग घ प फ ब भ। व्यंजन ध्वनियों के स्पर्शी, किसकी बात हो रही है? संघर्षी, जैसे समझ पा रहे होंगे आप, ये कह रहे हैं कि च छ ज झ क्या है ये? च छ ज झ, ठीक है, यानी आधुनिक ये तालव स्पर्शी हैं। च बोल के देखिए, छ ज झ, ठीक है, आधुनिक परिभाषिक शब्दावली। सवाल आते हैं बहुत बार, श्रामा कर रही हूँ। स्पर्श संघर्षी हैं, आपस में जुड़ करके किसी चीज को बोल रहे हैं, च छ ज झ, ठीक है, ठीक है। इसका उच्चारण च चम्मच, छ छतरी, ज जहाज, ठीक है, झ झनकार। तो ये क्या है? दोनों जो आपस में हमारे जो ये तालव स्पर्श है आपस में कर रहे हैं, ठीक है। इसका उच्चारण करते समय मुख्यवय में यथास्थिति आंशिक या पूर्ण अवरोध होता है, ठीक है, पहले कम उसके बाद पूरा, च चम्मच, ठीक है, ये आप देख पाएंगे। क ख ग घ, इनका कोई तालव स्पर्श नहीं है, ट ठ ड ढ नहीं है, प फ ब भ, ठीक है। तो ये लिप्स का यहाँ पर फॉर्मेशन है, तो शब्द को बोल के देख लीजिएगा आप एक बार। 89, अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? बहुत बार ये सवाल आता है, स्टार मार्क करी हूँ, नॉट फॉर अत्याचार ओनली, बाकी अलग अलग फॉर्मेशन में। आ अति अत अत्या, उप क्या है? आगे लगने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो सही क्या हो जाएगा? सी, क्या कह रहे हैं? अति अत्याचार, अति आचार, अत्याचार, ठीक है, आगे चलते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग लगा है, आचार मूल शब्द है ये, आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ज्योत्सना, ठीक है, भास्कर, मिष्ठान, अहोरात्र, कह रहे हैं कि गलत वाला कौन सा है, कौन सा मीनिंग गलत है यहाँ पर? तो सी ऑप्शन वाला गलत है हमारा, भास्कर, भास्कर होता है ये, भास्कर, ये तो शर्ट, ये षटकोण नहीं आएगा, स आएगा इसमें, ठीक है, स सेब वाला, स संतरे वाला, ज्योत्सना, ठीक है, अहोरात्र, मिष्ठान, ये भी ठीक है, सी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से भाष्कर अशुद्ध है, शुद्ध शब्द भास्कर होता है, ज्योत्सना, होत्रा, मिष्ठान, ये ठीक है हमारा। कृत प्रत्यय लगता है कहाँ? कृत्य, कृत्य क्या है? काम करना किसी चीज का, ठीक है, कृत, क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, विशेषण जब आप किसी, जैसे धीरे धीरे क्या विशेषण है? सर्वनाम के अंत में, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारा कृत प्रत्यय है वो हमारा लगता है क्रिया के अंत में,
मान लो किसी ने कोई क्रिया की है, वो आखिर में कौन से क्रिया कर रहा है उसको दर्शाता है, वो संज्ञा विशेषण सर्वनाम में नहीं लगेगा। तदित प्रत्यय धातु के अंत में लगता है जबकि कृत्य प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अंश शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, अंश है ये तो आपका समानार्थी हो गया तो हट जाएगा, इन्होंने अर्थ पूछा है, मतलब मीनिंग। भाग है, कंधा तो नहीं हो सकता, हिस्सा है, या यहाँ पर भाग है, दो ही बचते हैं यहाँ पर। हमने कहा कि डी वाला ऑप्शन हमारा, एक मिनट, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंश शब्द का अर्थ है, अंश शब्द का अर्थ कंधा होता है जबकि अंश का अर्थ यहाँ पर हिस्सा या भाग होता है। तो दोनों के बोलने में अंश और अंश दोनों में अंतर है। अंश क्या है? जब हम किसी चीज का हिस्सेदारी की बात करें, अंश क्या है? इट इज पार्ट ऑफ अ कंधा, शोल्डर की जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर अंश होता शेर वाला तो हम इसको बोलते हिस्सा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। तो आज का आपका सवाल है, तत्सम से शब्द हमेशा आता, तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं। ठीक है, तत्सम स फॉर संस्कृत, ठीक है, तद्भव, ठीक है, हिंदी शब्द से जुड़ी हुई चीजें, जिनके शब्दों को कौन सा तत्सम शब्द है? छत्री, क्षत्रि, ठाकुर, क्षत्रिय। कह रहे कि इसमें से संस्कृत शब्द कौन सा है, अगर तद्भव होता तो बोलते कि हिंदी शब्द कौन सा है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि शेर क्या है, ये तद्भव है, हिंदी शब्द है। मैं कहूं सिंह होता है ना यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, संस्कृत शब्द की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर, एक मिनट, मैं कहूं जल या कहूं नीर, ये क्या है, तत्सम संस्कृत शब्द है दोनों, है ना। मैं कहूं पानी, इट इज अ हिंदी शब्द, तद्भव, दोनों में फर्क कीजिएगा। मैंने संस्कृत शब्द पूछा है आपसे, बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है कमेंट करके, और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको यहाँ पर बीट द कॉम्पिटिशन में, डायरेक्टली क्लिक करके आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ये है यूट्यूब का हमारा चैनल जहाँ से आप बाकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी, और जल्दी हाजिर होंगे नए कंटेंट्स के साथ। अब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ, अपनी तैयारी करते रहिए क्योंकि आपके पास तैयारी करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, और बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। उम्मीद करती हूँ कि जिस सवाल का जवाब मैंने पूछा उसका जवाब आप जरूर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी।